नमस्कार, मैं सत्यम प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया सेगमेंट कोलाहल, जहां हम बात करते हैं दिन भर की उन तमाम खबरों की जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही। इसमें हम खासकर उन हैशटैग की बात करते हैं जिस पर लोग पुरजोर तरीके से अपना इंटरेस्ट जताते हैं। कोई किसी की टांग खींचता है तो कोई किसी को ब्लेम करता है, कोई किसी को ट्रोल करता है तो कोई खुद ही ट्रोल बन जाता है। चले फिर ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपना शो। आज ट्विटर पर मोदी जी के नाम का हैशटैग छाया रहा। दरअसल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, ऐसे में ट्विटर पर उनके लिए बधाइयों की बाढ़ सी आ गई। लोग मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे। हालांकि इसके साथ हर एक साल की भांति इस साल भी हैशटैग मोदी रोजगार दो और हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस भी ट्रेंड होता हुआ दिखा। साथ ही उससे मिलता जुलता कुछ आपत्तिजनक हैशटैग भी शेयर किया जा रहा था। मुझे पता है आपका बड़ा मन हो रहा होगा कि उस पर भी चर्चा की जाए, लेकिन थोड़ी तो मर्यादा रखिए जनाब, क्योंकि हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बहरहाल, जहां तक बेरोजगार दिवस वाले हैशटैग का सवाल है तो उस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं। बहुत ज्यादा जानकारी के लिए कल वाला कोलाहल आप देख सकते हैं। चलिए अब रुख करते हैं दूसरे हैशटैग की तरफ। यह हैशटैग है राखी सावंत को लेकर, लेकिन राखी सावंत के फैंस के लिए अफसोस की बात है, क्योंकि इसकी वजह राखी सावंत नहीं बल्कि राघव चड्ढा है। कोई बात नहीं भाई, दोनों के नाम आर से ही स्टार्ट होते हैं, थोड़ा मैनेज करते हुए मुद्दे को समझिए जनाब। आइए फिर शॉर्ट में जानते हैं क्या है मामला। पंजाब में होने वाले हैं अगले साल चुनाव, अब मौका भी है और दस्तूर भी। बस फिर क्या था, द कपिल शर्मा शो फेम वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी कृषि कानूनों के तहत प्राइवेट मंडी को नोटिफाई करते हैं, बाद में अलग सेशन बुलाकर केजरीवाल सरकार ड्रामा भी करते हैं, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। बस खुद को करण और केजरीवाल को अर्जुन समझते हुए राघव चड्ढा कूद गए मैदान में, पर अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं गुरु, क्योंकि लोग उनको जाने ही नहीं दे रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि राघव चड्ढा साहब अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाए और सिद्धू जी को अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हुए राजनीति का राखी सावंत बना दिया। अब लोगों के अंदर का नारीवाद जाग गया है और ट्विटर पर बढ़िया लपेटे जा रहे हैं श्री चड्ढा साहब। एक यूजर ने लिखा है, राखी सावंत का नाम कोई बुरा पर्याय तो नहीं है, पर आप एक मिसोजनिस्ट जरूर हैं। मिसोजनिस्ट बोले तो औरतों से घृणा करने वाला। बात तो बड़ी तार्किक की है आप गुरु। वहीं एक दूसरे यूजर ने राघव चड्ढा से नाराजगी जताकर पूछा है कि उन्होंने आखिर क्या समझ रखा है राखी सावंत को। अब ये तो राघव जी ही बताएंगे। बहरहाल, आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं एक अन्य हैशटैग की तरफ। आज ट्विटर पर हैशटैग इमरान खान भी ट्रेंड कर रहा था। वजह जानते हैं क्यों? क्योंकि सुरक्षा को खतरा बताकर न्यूजीलैंड ने सीरीज रद्द कर दी है, वो पाकिस्तान आने वाले थे। बस ट्विटर पर तो लोगों को चाहिए एक मुद्दा, और ये वाला तो इंटरनेशनल प्लस क्रिकेट दोनों का समग्र विषय है। जैसा कि आपको पता है कि लोगों को इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। बस धड़ाधड़ ट्वीट पर ट्वीट, मतलब माहौल ट्विटम ट्वीट हो गया है गुरु। स्क्रीन पर देखिए, एक यूजर ने लिखा है, न्यूजीलैंड वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू गो होम, मैन ऑफ द मैच इमरान खान, मैन ऑफ द सीरीज तालिबान, बस खत्म, टाटा, गुड बाय। मतलब पूरे के पूरे मुद्दे का सार एक ही ट्वीट में समेट दिया आपने गुरु। वही एक अजीबोगरीब नाम वाले यूजर ने लिखा है, इमरान खान पर कटाक्ष। भाई साहब लिखते हैं, अरे क्या करूं मैं, मार भी नहीं सकता मैं, प्यार जो करता हूं इनसे। खैर, इस वक्त इमरान खान भी सोच रहे होंगे कि आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह, ये हमारी तरफ से था। वैसे भी क्या कीजिएगा जनाब, ये वाले दाग अच्छे नहीं हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको कैसा लगा आज का हमारा सेगमेंट, इस पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। देखिए, इसके लिए हम किसी तरह की कोई राशि नहीं लेते हैं। आप देख रहे थे डेली बज इंडिया। धन्यवाद।